प्रहलाद सिंह पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में जो स्पोर्ट्स फिजियो हैं, उनकी समस्याओं की तरफ सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्पोर्ट्स फिजियो इतनी महत्वपूर्ण चीज है अध्यक्ष महोदय, हम जैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से खेल में भागीदार होकर यहां तक पहुंचे हैं, अगर किसी खिलाड़ी के लिए जरूरी है तो पहले मैदान जरूरी है, फिर उसके बाद में कोच जरूरी है, फिर फिजियो और उसके बाद डॉक्टर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जिस प्रकार से डोपिंग की समस्या हमारे सामने आती है, उसके लिए सबसे जरूरी है वो फिजियो है। लेकिन फिजियोथेरेपी में इतने सारे मामले होते हैं, हड्डी के जानकार, नसों के जानकार, मसल्स के जानकार, ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पाइन को जानने वाले। लेकिन इस आधार पर सरकार के पास में अभी कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे राज्यों में उनकी काउंसिल्स हैं, लेकिन नेशनल काउंसिल फिजियोस की नहीं है। ये बिल भी सरकार के पास में लंबित पड़ा है अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ये बिल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सहयोग से आना चाहिए, क्योंकि ये और उनका ग्रेजुएशन तब हो पाएगा कि वो डॉक्टर की सूची में है या नहीं। मेरी चिंता ये है कि जब कभी कोई निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ी होता है, वो फिजियो नहीं होने के कारण उसकी मसल जब गलत रास्ता ले लेती है, तो भविष्य में अच्छा खिलाड़ी भी वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी बात जब आती है कि अगर दर्द के कारण कोई दवाई ले ले, तो उसके बाद में वो डोपिंग का शिकार बनता है। ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स फिजियो की जो उपयोगिता है वो सर्वाधिक है, उसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि या तो काउंसिल बनाए या कानून लेकर आए, लेकिन स्पोर्ट्स फिजियो की महत्ता को स्वीकार करते हुए उनका निश्चित रूप से कोई आधार तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मौका दिया।